नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड गॉट टैलेंट में आपका स्वागत है। लोकार्पण एंटरटेनमेंट सेगमेंट के अंतर्गत कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं, पहले इस वीडियो का आनंद लें। प्रणाम, मैं कंचन पवार और मेरी कविता का शीर्षक है मैं कैसे समझाऊं माँ। वो माँ है, उसने मुझे सहनशीलता से आचरण करना सिखाया है। वो माँ है, उसने मुझे सहनशीलता से आचरण करना सिखाया है। पर मैं कैसे बताऊँ माँ, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत सताया है। हाँ सम्मान देकर मान लेना तुमने मुझे सिखाया है। पर मैं कैसे बताऊँ माँ, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया है। कसूर नहीं है तुम्हारा, ये खुद उस भगवान ने मुझे बताया है। पर मैं कैसे इस दुनिया को बताऊँ माँ कि तुमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। सहन करके सहम जाना तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बताया है। पर मैं कैसे तुम्हें बताऊँ माँ, इस दुनिया ने फिर भी तुम्हें ही बुरा ठहराया है। सहकर हर अपमान को तुमने फिर भी सबको सम्मान दिया। ये लकीरें नहीं थी तुम्हारे हाथों की, इस दुनिया ने ही पैमाना बनाया है। और मैं कैसे तुम्हें बताऊँ माँ, इस दुनिया ने मुझे भी निशाना बनाया है। पर मैंने तुम्हारी हर बात याद रखी, संजो के परवरिश को तुम्हारी, मैंने उन्हें अपने संस्कारों को दिखाया है। पर एक बात बताऊँ माँ, मैं शांत नहीं रही। बात जब आत्मसम्मान पर आई तो मैंने उन्हें भवानी रूप भी दिखाया है। और एक बात बताऊँ माँ, मैंने अपनी बेटी को माँ दुर्गा का हर रूप दिखाया है, हर पाठ पढ़ाया है। अपने परवरिश का अस्त्र और तुम्हारे संस्कारों का शस्त्र मैंने उसके हाथों में थमाया है। मैंने उसे हर परिस्थिति में मजबूती से लड़ना सिखाया है। और सच बताऊँ माँ, मैंने उसे सहनशीलता में बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाया है। थैंक यू सो मच। वाओ, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगर आपको भी यह प्रस्तुति उतनी ही पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वोट देना है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए तो पहले लोकार्पण चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें इस वीडियो को। एक और चीज, अगर आप में, आपके परिवार में या पूरे परिवार में है वो बात कि आप बन सकते हैं उत्तराखंड गॉट टैलेंट के नए चेहरे, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो अपलोड करके हमें भेजें। देखिए, हो सकता है आप बन सकते हैं उत्तराखंड गॉट टैलेंट का नया चेहरा और जीत सकते हैं ढेरों प्राइसेस। तो जुड़े रहे लोकार्पण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।